डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब। हाँ हाँ मुनव्वर, क्या हुआ, काहे चिल्ला रहे हो? अरे डॉक्टर साहब कहा बताई, बड़ा परेशान हन। क्यों, क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब बहुत इमरजेंसी है। इमरजेंसी कैसी, ठीक ठाक तो लग रहे हो, अपने पैरों पे चल के आए हो, और क्या चाहिए? अरे डॉक्टर साहब जो होना चाहिए वो तो हो ही नहीं रहा है, पूरा रास्ता जाम है। एक रास्ता जाम रहा है तो दूसरे रास्ते से निकल आते। अरे डॉक्टर साहब तुम समझ नहीं रहे हो, हमारा पेट देखो। अरे पेट तो तुम्हारा फूला फूला लग रहा है, कितने महीने खोए हुआ है? अरे डॉक्टर साहब काहे मजाक कर रहे हो, महीने महीने का नहीं, 10 दिन से प्रेशर नहीं आवा है, कब जो गई है, रास्ता जाम है, कुछ निकल ही नहीं पा रहा है। अच्छा चूरन उड़न नहीं खाए हो का? अरे डॉक्टर साहब चूरन गोली वोली सब खाए हैं, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, तभी तो तुम्हारे पास आए हैं। तो गलत आदमी के पास आए हो, इनके खुदे कब्ज है, दिन भर बैठे बैठे खाली गैस के गोले छोड़ा करे थे। अबे तुम हो एकदम बैल, तुमका पता नहीं है, जो आदमी गैस गोले छोड़ रहा हो तो इसका मतलब है उसकी मशीन एकदम सही काम कर रही है। सही कह रहे हो डॉक्टर साहब, 10 दिन से हम पादने की तरस गए हैं। आओ इधर देखे का परेशानी है। अरे डॉक्टर साहब बड़ी परेशानी है, 10 दिन से हमारा वजन बढ़ता ही जा रहा है, कुछ निकल ही नहीं पा रहा। अबे सीमेंट उमेंट खा लिए रहो का, जो अंदर जाके जम गई है? डॉक्टर साहब सीमेंट इमेंट नहीं, मुर्गा खाए रन। अच्छा तबेन मुर्गे टांग फंसी है। अबे चिरकुट शांत रहो, डिस्टर्ब ना करो, काम धाम तो है नहीं, बैठे बैठे कुर्सी तोड़ा करते हैं बस। बैठे ना तो क्या खड़े रहन, मरीज वरीज तो आवत नहीं है, एक आवा है उका देख लो, मैं तो यही चला जिए। अरे डॉक्टर साहब यू का कह रहा है? अरे कुछ नहीं, तुम बस ये बताओ दिन भर में खाते क्या क्या हो? अरे डॉक्टर साहब का बताई, आजकल तो हम बहुत कम खावा थे, पेट में दिक्कत है ना। अरे फिर भी बताओ तो क्या क्या खाते हो? खावत का डॉक्टर साहब, सुबह सुबह उठा थे 4-5 छोला भटूरा खावा थे और 2 गिलास चाय पी के सोए जावा थे, फिर 10 बजे उठा थे, फिर समोसा जलेबी खावा थे, फिर थोड़ा आराम करा थे, तब तक बच जाते 12 तो भूख तो लगी ना आवा थे, तो दोपहर के खाने में 4-6 आलू के पराठे और लस्सी पिया थे, और यू नहीं मिला तो बाहर जाएंगे बिरयानी हौंक दे थे। बस इतना ही खाते हो? नहीं डॉक्टर साहब अभी तो दोपहर हुई है, शाम और रात तो बाकी नहीं। अच्छा तो बताओ जाओ। हाँ तो डॉक्टर साहब दोपहर के खाने के बाद अर्राए की नींद आवा थे, तो हम कम्बल ओढ़ के सो जाते थे, फिर 4 बजे भूख के मारे आँख खुल जाते, लेकिन हम शाम का बहुत कम ही खावा थे। अच्छा मालिक बड़ा एहसान करते हो, क्या क्या खाते हो शाम को? शाम का हम ज्यादा कुछ नहीं, 4-5 ब्रेड पकौड़े खावा थे और 1-1 गिलास चाय पिया थे। अच्छा और रात का डॉक्टर साहब झूठ नहीं बोलवा, रात में हमरे भूख लगा थे तो थोड़ा ज्यादा हो जाते। अच्छा कितना ज्यादा? रात में डॉक्टर साहब 4-6 तंदूरी रोटी और उसके साथ सालन और 1 प्लेट बिरयानी और मीठे के नाम पर 4-6 रसगुल्ले हो जाते। बस कहाँ डॉक्टर साहब, अभी खंबा खुलना तो बाकी न, रात में दोस्त आ जाते तो हम उनका मना नहीं कर पावा थे, पर हम ज्यादा नहीं पिया थे, बस 8-10 पेग और 1/2 किलो भुना मुर्गा रख लो, बस यही सब खाए पी के सो जाते। अच्छा तो 10 दिन से यही सब खा रहे हो? 10 दिन से का, हम तो हमेशा से यही सब खावा थे, बस अभी थोड़ा कम कर दिए, पेट में दिक्कत है ना। अबे जो हिसाब से तुम बता रहे हो उस हिसाब से तुम्हारा पेट फट जाना चाहिए रहा अब तक। अरे डॉक्टर साहब यू का कह रहे हो? हाँ और तुम्हारे कब्ज नहीं है, जिस हिसाब से तुम खाना खाते हो उस हिसाब से तुम्हारा निकास द्वार छोटा है, तो हम सरकार से कह के तुम्हारे लिए अलग एक पाइपलाइन बिछवाते हैं। डॉक्टर साहब ये समझ में नहीं आवा, तुम कुछ ना समझो। ए सुनो, इनका अंदर ले जाओ और बड़ा वाला संक्शन पाइप लगा के इनका टैंक खाली कराओ। ना ना ना, यू समझ लो अपन हमसे ना कराओ। अबे करी हो नहीं तो सीखी हो कैसे? अच्छा बस यही सब लेथन वाला काम हमका सिखायो, जब कोई लेडीज वाला साफ सुथरा काम आवा थे तो दांत निकाल के खुदे अंदर अकेले चले जाते, तब नहीं हमका सिखाना होते। अरे डॉक्टर साहब तुम्हें चलो जल्दी, नहीं तो हमारा पेट फट जाए। हाँ हाँ चलो अंदर चलो, चलो
अपना पैंट उतारो और लेट जाओ। अरे लेट रहे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कोई बड़ा इंजेक्शन ना लगा, हमका डर लगा थे। अबे केस बड़ा है तो बड़ा इंजेक्शन लगी है, तुम लेटो पहले। अरे अरे डॉक्टर साहब इंजेक्शन में बहुत दर्द हो गया यार। और कान खोल के सुन लो, इंजेक्शन के बाद संक्शन पाइप लगी है, पकड़ के बैठे हो। सारा खजाना बाल्टीन में गिरना चाहिए और अगर इधर उधर कहीं छिपे हो तो सारा लेथन तुम्हें इनका साफ करना पड़ी है। ठीक है डॉक्टर साहब लगाओ पाइप। ठीक है तैयार रहो, लगे जा रहा पाइप। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्हें से कह रहे हैं, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।